नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या कर आरोपी गिरफ्तार। पुणे एयरपोर्ट पर 14,66,000 का सोना पकड़ा। रेलवे ट्रैक के पास मशगूल होकर खेल रहे थे पबजी, ऊपर से गुजर गई ट्रेन। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ, राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में लापता जोगिंद्र यादव की हत्या करके दोस्त ने अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक में कर दी थी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाल, कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की तो सच सामने आया। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी से जोगेंद्र के अवैध संबंध थे, इसलिए वह अपने साथियों की मदद से जोगेंद्र की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में डालकर मानक नगर के इलाके में ही रेलवे क्रॉसिंग के पास नाले में फेंक दिया था। पुणे, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से एक यात्री के पास से 14,66,000 रुपए का सोना। कस्टम विभाग की टीम ने आरोप में नकीब साबिर हसन बापू नामक यात्री को गिरफ्तार किया है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़बड़ी में बाहर जाते समय कस्टम विभाग की टीम को उस पर शक हुआ। कर्मचारियों ने उसे पकड़कर तलाशी ली। उसकी जींस पैंट में कमर के चारों ओर लपेटे हुए प्लास्टिक बैंड में पेस्ट के रूप में सोने को छिपाया गया था। उस सोने की कीमत 14,66,000 रुपए बताई गई है। मुंबई, ऑनलाइन पॉपुलर गेम पबजी लोगों के लिए धीरे धीरे जानलेवा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेम पबजी खेलने वाले दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल दोनों लड़के रेलवे ट्रैक के पास पबजी गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी सामने से हैदराबाद अजमेर ट्रेन आई और उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना हिंगोली में खाटकली बाईपास के पास हुई। तो MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।